तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब के सब। तो आई होप सभी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है रेसिंग रफ्तार। तो गाइस यहां से आप सभी देख सकते हो, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए एक कमाल का वीडियो लेके। आज का जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा हटके वीडियो है एंड काफ़ी लोगों ने मेरे को इसके लिए बोला है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो भी है, तो एंड तक जरूर देखना। आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है माइनक्राफ्ट के अंदर जो अभी चल रही है करंटली। तो गाइस माइनक्राफ्ट का केव एंड क्लिफ्स पार्ट 2 आ गया है, आप सभी को पता होगा। और आप सभी ने, आप में से काफ़ी लोगों ने इसको अपडेट भी कर लिया होगा अपने माइनक्राफ्ट को, एंड जिन्होंने नहीं किया कर लो भाई, किसका वेट कर रहे हो। तो गाइस जिसने अपडेट किया है एंड जिसने अपने वर्ल्ड्स बना रखे थे 1.17 में, मतलब अभी चल रहा है 1.18 और उसने वर्ल्ड बना रखे थे 1.17 में, तो भाई उसको काफ़ी ज़्यादा भी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि मेरे को भी ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत है अपने वर्ल्ड्स को लेकर। अगर आप सभी ने अपने माइनक्राफ्ट को अपडेट किया है, साइन इन किया है, उसके बाद आपको पता है आप सभी के वर्ल्ड्स आप सभी को नहीं दिख रहे हैं। ओके, जहाँ पर वर्ल्ड्स दिखते हैं वर्ल्ड सेक्शन में, वहाँ पर आप सभी को एक भी अपना वर्ल्ड्स नहीं दिख रहा है। तो आप सभी टेंशन ले रहे हो, यार भाई क्या हो गया, हमारे वर्ल्ड्स कहाँ चले गए। मैं भी ये सोच रहा था भाई कि यार वर्ल्ड कहाँ चले गए, लेकिन बाद में मेरे को पता चला यार ये इस वजह से हो रहा है। तो उस वजह को भी हम जानेंगे, आपके वर्ल्ड्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे वहाँ पर एंड उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाँ भाई, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई माइंड के आपके बग्स हो सकते हैं, आप सभी जानते हो कितने सारे बग्स हैं यार इसके अंदर, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है वो तो होता ही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या जैसे बैक करते हैं एंड देखते हैं मेरा कोई वर्ल्ड शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई ये तो सर्वर था मेरा, तो सर्वर तो आप प्ले कर ही सकते हो साइन इन करने के बाद। यहाँ से बैक करते हैं एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो एक भी मेरा वर्ल्ड शो नहीं कर रहा है। ओके, देख सकते हो डिड योर वर्ल्ड्स डिसअपीयर, इंफॉर्मेशन और रिकवरिंग वर्ल्ड्स इन द एक्सटर्नल स्टोरेज इज है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर गेट हेल्प आप सभी को क्लिक करना। ओके, कुछ नहीं करना, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो हम भी करते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पे क्लिक करने से होता क्या है। तो गाइस जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपका एक ब्राउजर ओपन होगा, यहाँ पर आप सभी आ जाते हो माइनक्राफ्ट की वेबसाइट पर, हेल्प सेंटर में आ जाते हो एंड यहाँ पर आप सभी को पूरी तरह से समझाया गया है यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। माइनक्राफ्ट वर्ल्ड स्लोस व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज ऑन द ऑन एंड्रॉइड डिवाइसेस। तो गाइस यहाँ पर अच्छी तरह से आपको बताया गया कि कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं जिसमें आप सभी के वर्ल्ड्स नहीं दिख रहे। अगर आपने अपना गेम को अनइंस्टॉल किया है, फिर से रीइंस्टॉल किया है, तभी भी अगर आपने बैकअप्स नहीं है आपके पास तो आपके वर्ल्ड जा सकते हैं। एंड दूसरा जो प्रॉब्लम हो रहा है एंड जो सभी के साथ हो रहा है, वो हो रहा है एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, बिकॉज जो पुरानी माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड्स की स्टोरेज लोकेशन है ना, उसको चेंज कर दिया गया है। क्योंकि वो गूगल्स के कुछ रिक्वायरमेंट थे, उनकी वजह से माइनक्राफ्ट मोजैक ने अपना स्टोरेज लोकेशन चेंज किया है, इसलिए आप सभी के वर्ल्ड्स नहीं दिख रहे। कुछ नहीं करना, आपको अपनी फाइल्स को मूव करना, अगर आप मूव करते हो तो उसके बाद आप सभी को सब कुछ शो करने लग जाता है। आप यहाँ पर आते हो, यहाँ पर देख के मेथड भी देख सकते हो, आप सब कुछ यहाँ पे आप समझ सकते हो इजीली एंड वर्ल्ड्स को आप डायरेक्टली भी न्यू लोकेशन पे सेंड कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे दो लोकेशन दिखे, द ओल्ड लोकेशन आपको अपनी फाइल मैनेजर ओपन करनी है एंड अपने मोबाइल की स्टोरेज में जाना है, वहाँ पर आप सभी को गेम्स नाम का फोल्डर मिलेगा जो ये रहा, देख सकते हो ये रहा गेम्स नाम का फोल्डर, ये वाला। ओके, तो आपको इसके अंदर जाना है, उसके अंदर आपको mozaik.com दिखेगा, आप सभी को पता है। अगर आप ओपन करोगे तो मैं अभी ओपन करके आप सभी को दिखाऊंगा, उसके अंदर आप सभी के वर्ल्ड्स दिखाई देंगे। ये वाला सेक्शन वर्ल्ड्स का होता है, इसमें आप सभी को वर्ल्ड दिखाई देंगे एंड जो न्यू लोकेशन है एंड्रॉयड। ओके, ये न्यू लोकेशन है आपके वर्ल्ड्स की, एंड्रॉयड में आप सभी को जाना है। ओके, उसके बाद आप सभी को जाना है डाटा में, एंड्रॉयड के बाद डाटा में जाना है एंड उसके बाद आप सभी को जाना है ये वाला लोकेशन पे। ओके, मोजैक माइनक्राफ्ट फाइल्स में आप सभी को जाना है। वहाँ पर आप सभी को अगर आप ZRG अगर आप यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप सभी को वहाँ पर आपका लोगो दिखता है माइनक्राफ्ट का, आप इजीली पहचान सकते हो। ओके, उसके बाद आप सभी को फिर से वही सेम चीज़ हो जाती है, फिर से आप सभी को गेम्स नाम का फोल्डर मिल जाएगा, ये रहा देख सकते हो ये वाला। ओके, सेम चीज़ है वही, बस आप सभी का लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर दी गई। उसके बाद फिर से mozaik.com ये वहाँ पर आप सभी को शो करेगा। ओके, देख सकते हो यहाँ पर ये वाला। फिर आप सभी का माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, बस कुछ नहीं करना, इतना सा काम है। ओके, आप देख भी सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है किस तरह से आप सभी को सारी चीज़ें करनी है। देख सकते हो PC के लिए भी एंड मोबाइल के लिए भी आप सभी को ईजिली समझा दिया गया है, तो आप इनको यहाँ पर देख के एंड फॉलो करके भी आप वो सब कर सकते हो, आप सभी सब कुछ देख के कर सकते हो, लेकिन अभी मैं बताने वाला हूँ आप वैसे भी आप कर सकते हो। अगर आप साइन इन करते हो उसके बाद आप माइनक्राफ्ट को एक दो बार ओपन करते हो तो वहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दिखा देगा फाइल्स मूविंग का, वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट फाइल्स को मूव कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है मैं आप सभी बताता हूँ, वहाँ पर दिक्कत ये हो रही है
आप सभी ने फाइल्स मूव की एंड कंप्लीट होने के बाद आपके वर्ल्ड्स वहाँ पर अपेयर होने लग जाते हैं, यानी दिखने लग जाते हैं। लेकिन मान लो आप सभी ने कोई वर्ल्ड्स प्ले कर लिया, हाँ खेल लिया भाई, एक दो घंटे खेल लिया, फिर एक दिन खेल लिया, फिर माइनक्राफ्ट को दो तीन बार ओपन करके खेल लिया, लेकिन उसके बाद अगर आप फिर से उसको ओपन करते हो तो फिर से वही आता है कि भाई फाइल्स को दोबारा मूव करो। पता नहीं यार ये बग है, आई डोंट नो, बग हो सकता है। फिर से वहाँ पर फाइल्स गायब हो जाती है एंड फिर से फाइल्स को मूव करने के लिए बोलता है वो। तो ऐसे थोड़ी होगा यार, हम बार बार फाइल्स को मूव करते रहेंगे, ओके, फिर से प्ले करेंगे, फिर से मूव, क्योंकि मूव करने में अगर आपके पास बड़ा वर्ल्ड है, बिकॉज मेरे पास काफ़ी बड़ा है, बड़ा वर्ल्ड, तो उसको टाइम लगता है मूव होने में। आपके पास भी इतना बड़ा होगा तो टाइम लग सकता है उसमें मूव होने में वर्ल्ड को। तो एक और तरीका है जिसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको फाइल मैनेजर ओपन करनी है तो इस यहाँ से देख सकते हो, आप यहाँ पे समझ सकते हो चीज़ों को। तो हमने समझ लिया, आप आई होप आप सभी को भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एंड अब चलते हैं फाइल मैनेजर में, वहाँ पर चीज़ों को जो मैंने अभी बताया उसको देखते हैं। गाइज यहाँ पर आपको यूज़ करना है जेड आर्चीवर, बिकॉज ये अच्छा है, यहाँ पर आप सभी इसमें इजीली सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती आप सभी को। तो देख सकते हो मैं आ गया हूँ, ये स्टोरेज है मेरा मोबाइल का स्टोरेज, यहाँ पर आप मैं नीचे थोड़ा सा मूव करता हूँ एंड यहाँ पर क्या है देख सकते हो, यहाँ पर है मेरा गेम्स नाम का फोल्डर, इसको मैंने रीनेम कर रखा है, बिकॉज अगर आप इसको रीनेम करते हो तो आपका जो मोजेंग है वो फाइल्स नहीं पढ़ सकता, ओके। तो आप सभी को ये इस तरह से मिलने वाला है, इस तरह से गेम्स नाम से मिलने वाला है ये, ओके, इस तरह से आपको मिलने वाला है, गेम्स नाम से मिलने वाला है ओनली। तो आप उसको कर सकते हो एंड जो न्यू लोकेशन है वो दिखाता हूँ, आपको जाना है एंड्रॉयड में, ये वाला डाटा में जाना है एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ओके। तो यहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा माइनक्राफ्ट नाम का एक फोल्डर, आप लोगो देख सकते हो, यहाँ से लोगो पे क्लिक करके आप समझ सकते हो माइनक्राफ्ट का फोल्डर कहाँ पर है। दूसरे गाइस ये रहा, इस पर क्लिक करना है, ये फाइल्स है, ये रहा गेम्स नाम का फोल्डर ये, लेकिन यहाँ पर आप सभी को भी कुछ भी नहीं मिलने वाला, देख सकते हो फाइल्स में वर्ल्ड्स में भी कुछ भी नहीं है, एम्प्टी फोल्डर है, बिकॉज मेरे वर्ल्ड्स तो पड़े हैं यहाँ पर, पुरानी स्टोरेज लोकेशन पर मेरे वर्ल्ड्स पड़े हैं। तो गाइस मुझे तो अपने वर्ल्ड्स मिलने वाले हैं इस गेम्स नाम के फोल्डर में, आप सभी यहाँ से देख सकते हो, आप सभी को mozaing.com पे क्लिक करना है, ओके। यहाँ पे आप सभी के वर्ल्ड्स ये रहे, देख सकते हो मेरे पास जितने भी वर्ल्ड्स हैं ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, देख सकते हो मेरे सारे वर्ल्ड्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ की जो स्टोरेज लोकेशन है उसको जो माइनक्राफ्ट अपना भी एक्सेस नहीं कर सकता, आपको न्यू लोकेशन पे इस फाइल्स को भेजना है। तो न्यू लोकेशन आपकी होने वाली है एंड्रॉयड डाटा, इसके अलावा आप सभी को स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पर आप सभी को मिलेगा mozaing वाला फोल्डर, ये रहा देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आप सभी क्लिक करना है, यहाँ पर फिर फाइल्स भी क्लिक करना है, यहाँ पर जो ये गेम्स नाम के फोल्डर है इसको आप सभी को डिलीट कर देना है, यहाँ से इस तरह से आप सभी को डिलीट कर देना है। आप यूज़ कर सकते हो जेड आर्चीवर, बिकॉज ये अच्छा है, आप सभी यहाँ पर इसको मतलब ईजी होता है इसमें फाइल्स को मूव करना, या फिर आप सभी अपना फाइल मैनेजर भी यूज़ कर सकते हो जो मोबाइल का होता है। तो गाइस हमारा फोल्डर इज एम्प्टी हो चुका है, बैक करते हैं यहाँ से, ओके। तो बैक कर लिया मैंने, ओके, नीचे आते ये रहा मेरा गेम्स नाम का फोल्डर। तो आप सभी समझ गए इसके साथ मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को होल्ड करना है एंड आप सभी को यहाँ से कॉपी करना है, तो गाइस यहाँ से इस तरह से आपको कॉपी भी क्लिक करना है, फिर कट भी आप कर सकते हो, आई थिंक कॉपी कर लेना, बिकॉज बाद में क्या पता वर्ल्ड्स गायब हो जाए तो आपको वर्ल्ड भी गायब हो सकता है। जैसे कॉपी क्लिक करना है एंड फिर से एंड्रॉयड डाटा में जाना है, स्क्रॉल करना है नीचे, ओके, आप सभी को आना है इस वाले फोल्डर में, कहाँ चला गया भाई, ये रहा देख सकते हो, एंड यहाँ पर आप सभी को इसको पेस्ट करना, इस तरह से आपकी फाइल्स मूव हो जाएगी कीपिंग द स्क्रीन टर्न ऑन। तो इसके ऊपर क्लिक कर देना, आपकी फाइल्स मूव होती रहेगी इस तरह से, आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी के लिए अपन इसको कैंसिल करते हैं। तो ये थोड़ी सी फाइल्स इधर मूव हो चुकी है, आपसे देख सकते हो, मेरे को कोई मतलब नहीं, उसे मैं बाद में मूव कर लूँगा, अभी नहीं कर रहा, मैं आपसे ओनली बता रहा हूँ अभी। एंड जो ये गेम्स नाम का फोल्डर है ये रहा देख सकते हो, इसको आप सभी के अगर पास SD कार्ड है तो आपको कार्ड में रखना है इसको, या फिर इसको यहाँ से आप रीनेम कर सकते हो, रीनेम करने से भी काम बन जाता है, लेकिन मैंने इसको रीनेम किया था, देख सकते हो गाइस मैंने क्या किया था, मैंने इस गेम्स नाम के फोल्डर को यहाँ से कॉपी किया इस तरह से, मैं एंड्रॉयड डाटा में, ओके, एंड मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया था, फिर यहाँ पर आके फाइल्स में यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, मेरा पूरे वर्ल्ड हो गए थे, कॉपी हो गया था, फिर मैंने बैक किया यहाँ से, ओके, यहाँ से मैंने बैक किया एंड फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पर आके इसको रीनेम कर दिया था, यहाँ पर गेम्स नाम के फोल्डर को यहाँ से मैंने रीनेम कर दिया,
इसका कि मैंने कुछ भी ऐड कर दिया एंड फिर से मैंने माइनक्राफ्ट ओपन किया तो मेरे वर्ल्ड्स वहाँ पर शो कर रहे थे। ओके सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा माइनक्राफ्ट खेला, एक दिन खेला, दो दिन के बाद फिर से वही प्रॉब्लम मेरे साथ हुई। मैंने यहाँ पर जाके देखा यार मेरे वर्ल्ड्स कहाँ चले गए। मैं आया इस वाले फोल्डर में, आई डोंट नो गाइस ये बग भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं। मैं यहाँ पर आया एंड यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे कोई भी वर्ल्ड नहीं है, एक भी वर्ल्ड नहीं है, गायब हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। अब ये मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर से करना, बिकॉज मेरे को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप सभी को फेस करनी पड़ेगी, मैं तो बस बता रहा हूँ आप सभी को। ओके तो आई थिंक आप सभी को यहाँ से गेम्स नाम की फोटो कट करके अगर आपके पास SD कार्ड है तो वहाँ पर रखना, एंड अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपको एक न्यू यहाँ से फोल्डर बना लेना। ओके क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक करके ऐसे न्यू फोल्डर बना लेना, उसके अंदर आपको इस गेम्स नाम की गेम्स को रखना है, गेम्स नाम के फोल्डर को, बिकॉज यहाँ पर ये मोजेंग को नहीं मिलना चाहिए। आई थिंक ऐसा होता होगा, यहाँ पर अगर आपको ये फाइल्स मिलती है तो मोजेंग समझता है आपका जो ये वाला लोकेशन है ना, ये वाला यहाँ पर आपको फाइल्स को मूव करने के लिए बोलता है, इसलिए वो सारे फाइल्स को दोबारा मूव करने के लिए बोलता है। अगर यहाँ पर गेम्स नाम का फोल्डर नहीं हो एंड ये फोल्डर ओनली यहाँ पर हो एंड्रॉइड डाटा में, तो माइनक्राफ्ट इजीली यहाँ से रीड कर सकता है आपकी फाइल्स को। ओके यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, तो मैंने आप सभी को समझा दिया, वैसे माइनक्राफ्ट में भी इसको काफ़ी अच्छी तरह समझा रखा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो एक बार आप सभी को मूव करके देखना है, मतलब कॉपी करके देखना है, उसको रीनेम करके देखना, अगर आपका चलता है तो ठीक है, नहीं तो आप सभी को उस गेम्स नाम के फोल्डर को कहीं और रखना है, किसी और फोल्डर के अंदर रखना है, ताकि जो मोजेंग है या फिर माइनक्राफ्ट का आपका गेम है उसको रीड ना कर सके, एंड वहाँ से कॉपी करके आपको डालना है यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर डालना है इसको। ओके तो फिर आप सभी को आई थिंक चलने लग जाएगा यहाँ से गेम्स, एंड आप सभी का जो पूरे वर्ल्ड से वो शो होने लग जाएंगे। एंड गाइस अब मैं माइनक्राफ्ट ओपन करके देखता हूँ, क्या पता मेरे को मूव्स का ऑप्शन मिल जाए, आई थिंक नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने पहले से थोड़ा सा मूव कर दिया इसलिए। लेकिन अगर आपको यहाँ से मिलता है तो यहाँ से आप मूव कर सकते हो एंड फिर उस फोल्डर का आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका गेम्स नाम का फोल्डर है। तो गाइस आई थिंक मेरे को मिल जो मूविंग का ऑप्शन दिखने वाला है, बिकॉज जब भी आप मैं माइनक्राफ्ट को ओपन करता था इस तरह से मेरे को स्क्रीन दिखती थी, उसके बाद फाइल्स को मूव करने का ऑप्शन आता था, देख सकते हो आ गया न्यू स्टोरेज लोकेशन आप सभी को ये मिलता होगा, वी नीड टू मूव योर फाइल्स टू ए डिफरेंट लोकेशन ऑन योर डिवाइस। ओके टोटल साइज मेरे पास ओके 549.3 MB है, तो न्यू स्टोरेज लोकेशन पे आप सभी स्टोरेज लोकेशन में दिख रहा है, तो आपको यहाँ से मूव स्टार्ट मूविंग फाइल्स पे क्लिक करके आप यहाँ से फाइल्स को मूव कर सकते हो, एंड जैसा मैंने बताया फाइल्स को वहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो बस मैंने पूरा मैटर आप सभी को समझा दिया है किस तरह से न्यू फाइल्स को मूव आप कर सकते हो। तो यार आपको अगर वर्ल्ड छोटा है 100 MB या फिर 15 MB इस तरह से होगा, 50 MB सॉरी, तो आप इजीली कर सकते हो चीज़ों को मूव्स। मैंने समझा दिया गाइस आप सभी को, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा कोई बताने की चीज़ है नहीं इसमें, अगर आप कमेंट करते हो कुछ न्यू तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी को क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर से करना एंड लाइक कर देना वीडियो को, एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।